ओ भाई ये व्हाट्सएप की क्या गजब की ट्रिक है, और ये फीचर क्या है, सात ऐसे फीचर्स, टेंशन मत लो मैं बताता हूँ। सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइज अगर आप भी जो है व्हाट्सएप यूज करते हो तो आज इस वीडियो में आप सभी को व्हाट्सएप की सात ऐसी हिडन ट्रिक्स और फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपको आज तक यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी ये जो सारे फीचर्स और ट्रिक्स हैं एकदम न्यू आई है व्हाट्सएप की अपडेट के साथ। तो भाई इस वीडियो को आपको एंड तक देखते रहने वाला, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, यानी आप व्हाट्सएप यूज करने का आपका एकदम तरीका बदल जाने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहली ट्रिक है हमारी, लेट सीरी और गूगल रीड योर मैसेजेस अलाउड। तो भाई यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग जो है कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ड्राइविंग कर रहे हो और बीच में आपके जो है मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, आपका फोन आपके पास ही है, और कभी कभार क्या होता है कि आप अगर खाना बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो आपका फोन पे मैसेज आता है। एक तो जैसी व्हाट्सएप या किसी की नोटिफिकेशन आती है तो हर एक बंदे को जो है अंदर से खुजली होती है कि भाई क्या मैसेज आया, हमें भी चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक बंदे को होती है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, बीच में आप नहीं छोड़ सकते हो ड्राइविंग, तो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा सही, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे आपको अपने मैसेज रीड करने हैं और रिप्लाई भी करने हैं बिना अपने फोन को छुए। और यहाँ लॉन्ग प्रेस भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्टली हे सीरी बोलना है, तो मैं बोलता हूँ हे सीरी रीड माय लेटेस्ट व्हाट्सएप मैसेजेस। एंड गाइस आप देख सकते हो कि आशीष ने मेरे को हाय बोला है, जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे जाके ही दिखा देता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड है उसने सही में मेरे को हाय ही बोला है, इतने सारे हाय भेज दिए हैं। तो देख सकते हो भाई, तो आप जो है बिना छुए किसी को भी रिप्लाई कर सकते हो, मैसेज भी देख सकते हो। सेकेंड ट्रिक है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है यार, बहुत सारे बंदे जो है व्हाट्सएप पे इतनी सारी इंपॉर्टेंट चैट्स करते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, यानी कुछ कुछ ऐसे लिख देते हैं कि भाई जिंदगी भर उन्हें वो सेव करके रखना पड़ता है। तो क्या होता है बीच में कभी अगर आपका फोन टूट जाता है, हैंग हो जाता है, हैक हो जाता है, या आपका फोन चोरी हो जाता है, या फिर आपका व्हाट्सएप जो है अनइंस्टॉल हो जाता है, डेटा कहीं पर भी रह जाता है, कहीं पे भी डेटा एरर हो जाता है, तो आपको जो है वो चैट जो है वो पूरी, यानी पूरी आपने जिससे भी चैट करी है वो जो है आपके नहीं रहती है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं इसका भी जो है आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। ओके गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है चैट ओपन करनी है, देन उसके बाद गाइस आपको जो है एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर जो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अटैच मीडिया विदाउट, अगर आपको मीडिया चाहिए यानी फोटोज वीडियो चाहिए तो फोटो वीडियो कर दो, नहीं चाहिए तो नहीं करो, मैं अटैच कर देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा फाइल ज़्यादा की होगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चैटिंग करी है दोस्त से अपने, तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है 194 MB समथिंग, और यहाँ से मैं जो डायरेक्ट फाइल्स पे शेयर कर सकता हूँ। अपने फाइल्स में सेव कर लो, फिर उसके बाद अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लो, अपने दूसरे फोन में सेव कर लो, अपने पीसी में सेव कर लो, लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। और चाहे आपका फोन हैक हो जाए, कोई चुरा ले, कोई कुछ भी कर दे, चैट्स आपके पास रहेगी, और किसी को भी आप कह सकते हो मेरे पास चैट है देख ले। तो ये चीज काफी ज्यादा सही है। थर्ड ट्रिक भी गाइस बहुत ज्यादा कमाल की है, शेयर योर लोकेशन विद अनदर व्हाट्सएप यूजर। अब क्या होता है कि यार बहुत से लोग दोस्त होते हैं कि यार बोलते हैं कि तेरा घर कहाँ है हमें नहीं पता, या फिर हम तेरे से मिलने आ रहे हैं, या फिर कोई भी रिलेटिव बोल रहा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे खड़े हैं। अगर आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर है या फिर आपके पास आपके साथ वो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप जो है अपनी लोकेशन एक ही क्लिक में उसको शेयर कर सकते हो, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, चाहे आप कहीं पे फंसे हो, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो। सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे जो आपको चैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्लस का, लोकेशन ऑप्शन होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी लोकेशन आ जाएगी। मैं थोड़ा सा लोकेशन जो अपनी हाइड कर रहा हूँ, उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो है पहले परमिशन देनी होगी, और मैं एग्जैक्ट अपनी लाइव लोकेशन सिर्फ इतनी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप नीचे कुछ लिख भी सकते हो, और मैंने इसको जो है शेयर कर दिया। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, प्लीज़ यार मेरी थोड़े पर्सनल इशूज़ हैं, लोकेशन है मेरी, यहाँ से मैं चाहता हूँ तो स्टॉप भी कर सकता हूँ, जैसे स्टॉप करी मैंने और रियली वॉन्ट टू स्टॉप, तो आप देख सकते हो मेरी जो है लोकेशन स्टॉप हो चुकी है, और कोई भी बंदा मेरे को आराम से आ जाए उसके पास आपकी लोकेशन चली जाएगी, तो तुरंत खुल जाएगा और आपके पास वो आ सकता है, अगर उसको पता है भाई आपका घर कहाँ है। वैसे गूगल मैप तो हर एक बंदा चलाता है, तो ये काफी सही ट्रिक। अब गाइस ट्रिक नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्रेटली रीड मैसेजेस। अब क्या होता है कि आपके दोस्त ने या फिर आपकी दोस्तनी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा, आप चाहते हो कि भाई हम ना उसके मैसेज रीड ना करूं, मैं उसके मैसेज भी रीड ना करूं, उसका मैसेज देख भी लूं, यानी मुझे दिखना चाहिए उसने लिखा क्या है, अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, लेकिन मैं उसको नहीं दिखाना चाहता कि ब्लू टिक आया है, तो आपको क्या करना है, देख सकते हो कि मेरे फ्रेंड का मैसेज आया हाय हाय, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो अभी मेरा नेट ऑन है और मैंने जो अभी इसको रिप्लाई नहीं करना, अभी क्या करना है आपको एयरप्लेन मोड पर अपना फोन डालना है और फिर इसके मैसेजेस ओपन करने हैं, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद जैसे आप इसके मैसेजेस ओपन करोगे आप जो है रीड कर पाओगे, लेकिन उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक टिक जाएगा, उसके बाद आपको फिर से एयरप्लेन मोड से हटाना है, फिर आप अगर देखोगे तो उसके पास ब्लू टिक नहीं जाएगा, लेकिन आपने वो चैट रीड कर लिया है, तो ये चीज काफी ज्यादा कमाल की हो चुकी है, और आपको पता भी चल चुका उसने क्या लिखा, और वो सोच रही है या सोच रहा है कि अभी तक इसने मैसेज रीड भी नहीं करा, तो ये चीज बहुत सही है।
फिफ्थ ट्रिक है गाइस, व्यू स्टेटस सीक्रेटली। अब क्या होता है कि यार बहुत बंदों ने जो स्टेटस डाले, आप चाहते हो कि मैं उसका स्टेटस देख लूं लेकिन उसे पता ना चले कि मैंने उसका स्टेटस देख भी लिया है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। तो गाइज आपको जो है व्हाट्सएप ओपन करना है, देन उसके बाद जो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी का ऑप्शन देखने मिलेगा अकाउंट के अंदर, तो इसके जैसे आप क्लिक करोगे रीड सिर्फ ऑन और रखोगे, इसको ऑफ कर दो। उसके बाद गाइज उसको नहीं पता चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है लेकिन आपने उसका स्टेटस एक्चुअल में देख लिया है, और वो सोच रहा है कि भाई या सोच रही है कि इसने तो स्टेटस नहीं देखा लेकिन आप फुल मजे ले चुके हो उसके स्टेटस के, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा। इसमें हमारी सेवंथ एंड लास्ट ट्रिक बहुत ज्यादा मजेदार है, एम्फेसिस टू योर टेक्स्ट। अब क्या होता है कि यार बहुत बंदों ने जो है बोल्ड लेटर में भेजा है, टेढ़े लेटर लिखे हुए हैं उसके टेक्स्ट मैसेज में, और कटे हुए लेटर लिख रखे हैं, तो आप सोचते हो यार ये इसने कहां से लिखा, ये कैसे लिखा, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जो है चैट ओपन करनी है और यहां पे आप, मैं लिख देता हूं हाय गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद गाइज आपको जो है सबसे पहले स्टार बोल्ड करना है, तो बिना स्पेस के आपको स्टार देना होगा, और मैं इसको आखिरी पे भी ले जाता हूँ एक स्टार, और तो आप देख सकते हो कि ये जो है बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बोल्ड वाला जा रहा है। अब जो है थोड़ा सा ऐसे जो स्लांट वाला होता है, तो मैं लिख देता हूँ हाय GM और स्पेस दिया और फिर ये, तो गाइज आप देख सकते हो ये जो स्लांट में जा रहा है। यही थी 7 ऐसे हिडन फीचर्स और हिडन ट्रिक्स जो आपको मैंने बतानी थी, आपको जरूर से कोई ना कोई पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो गाइज इस वीडियो को करो शेयर, और गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताओ वीडियो का, साथ साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोज मैं रोजाना अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। मिलता हूँ नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।